नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 17 सितंबर, कल के सेशन की बात करें तो कल अच्छी तेजी के बाद कॉटन इंटरनेशनल में हमने देखा 66.50 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। जिस ढंग से डॉलर की तेजी आई है, ये कहीं ना कहीं वैसे तो कमोडिटी मार्केट पे एक थोड़ा स्टेबिलिटी दिखाता है, बट इंटरनेशनली हमने बताया अभी तक कि 66-67 सेंट का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है। नो डाउट डाउनसाइड भी लिमिटेड ही है, बट ओवरऑल हमें लगता है मार्केट आज स्टैग्नेंट रहेगा। कल के सेशन में डोमेस्टिक मार्केट में हमने कॉटन के प्राइजेस में तो उछाल आते हुए देखा, स्टेबल है, 18,000 के ऊपर ही है। कॉटन कपास में भी 1,050 के नीचे ट्रेड कर, जबकि कॉटन सीड ऑयल केक में कल हमने 2% की गिरावट देखी। जिस ढंग से हमने कल देखा एक हार्मोनिक पैटर्न बना था 1895 पे, जिसकी वजह से ये प्राइजेस में फॉल आया जो आज भी कायम रह सकता है। बाकी फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस है नहीं, बट शॉर्ट टर्म में एक गिरावट हमें टेक्निकली मार्केट दिखा रहा है। तो चार्टिंग के लिए अगर हम बात करें तो ये आप 2 घंटे का चार्ट देख सकते हैं आइस कॉटन का, जहां पे मल्टीपल ऑफ टाइम 67 सेंट के ऊपर जाने से बच रहा है मार्केट। तो अनलेस एंड अंटिल 67 के ऊपर नहीं निकलता है, इंटरनेशनल कॉटन के प्राइजेस में गिरावट रह सकती है, जो डाउनसाइड में फिर से 65-65.5 जो 50-डे मूविंग एवरेज है यहाँ तक मार्केट दिखा सकता है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि मार्केट में आज साइडवे टू नेगेटिव प्राइस मोमेंटम रह सकता है। नो डाउट डोमेस्टिक मार्केट में हमने 18,100 का रेजिस्टेंस बनते हुए देखा है, एक बार 18,100 का लेवल तोड़ दे तो हम तेजी देख पाएंगे, अदरवाइज 17,700 से 18,100 के बीच में कॉटन के प्राइजेस मूव करते हुए दिखाई देंगे। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो प्राइजेस 200-डे मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से होल्ड जरूर कर रहा है, बट हमने फिर से देखा कि 1920-1930 के ऊपर प्राइजेस होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने गिरावट भी देखी है, मंदी नहीं कहूंगा बट हाँ एक पुलबैक दिखा रहा है जो 1840 की सपोर्ट तक मार्केट जा सकता है। तो आज के सेशन में 1840 का इंपॉर्टेंट लेवल है और ये 200-डे मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस आज इसके नीचे क्लोज दे देता है तो हम थोड़ा सा 2 दिन नेगेटिव में जा सकते हैं, अदरवाइज हो सकता है कि प्राइस 1840 दिखाकर फिर ऊपर आ जाए। तो आज के लिए 1900 के करीब या 1890-95 के करीब मिले तो बेचिए, 1840 तक हम शॉर्ट पोजीशन से निकल के वेट करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में आपको कमोडिटी से लिए सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।